न्यू फ़ोन लिया है। यस, मैंने न्यू फ़ोन लिया है एंड दिस इज गिफ्टेड बाय माय वुड बी। अरे स्पून नहीं मिल रही है हमारी। पता है तू फैन सलमान का। गाना गाने लग गई। मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लगा। ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये क्या था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सेफ हो और अच्छे हो। ऐसे बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम नॉट वेल। लास्ट मंथ से मैं इतना अच्छा नहीं थी, मतलब हेल्थ इश्यूज था, बहुत कुछ था। सो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। सो अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा आज एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्या वीडियो? हाँ, एक व्लॉग शेयर करती हूँ जिसमें आप लोगों से हर बात शेयर करूँगी मैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे। सो या इंट्रो कर देती हूँ। व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेड कलर के बटन को प्रेस करके, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन भी होगा उसे भी हिट कर देना ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो से अपडेटेड रहो। हाँ, थोड़ा सा सांस लेती हूँ, बहुत बोल दिया। वैसे आप मेरी फेस की हालत देख रहे हो, ये सब मेरी हेल्थ इश्यूज़ के वजह से ही हुआ है। पहले कुछ दिनों से मेरे लेफ़्ट वाले आइस पे जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से मैंने वाटर को पूरा अपने फेस से अवॉइड ही किया है, उस वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बट उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने न्यू फ़ोन लिया है। यस, मैंने न्यू फ़ोन लिया है एंड दिस इज़ गिफ्टेड बाय माय वुड बी। ओके, थैंक यू माय वुड बी फॉर द नाइस गिफ्ट। ओके, सो अभी आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं आज स्कूल आई हूँ, ठीक है। स्कूल में एग्जामिनेशन चल रहा है तो मुझे मतलब एग्ज़ाम होगा, इसलिए मुझे क्वेश्चन के लिए आना पड़ा। यहाँ से मैं जाने वाले, ये क्या था। नहीं, ऐसा ही करती हूँ मैं जो भी। यहाँ से मैं जाऊँगी कॉलेज, क्योंकि मुझे मेरी एग्ज़ाम के कुछ पेपर सबमिट करने हैं कॉलेज पे। उसके बाद बस यही है व्लॉग, दैट्स ऑल। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे ना। बहुत दिनों बाद आ रही हूँ, प्लीज़ इस व्लॉग को शेयर कर देना अच्छा लगे तो। मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को, आई रियली मिस यू। यू नो, दूर ही नहीं रह सकती थी। वैसे ये कैमरा कैसा लग रहा है? बिल्कुल नेचुरल सा है ना, एक एक दाने, एक एक पिंपल दिखा रहा है, बढ़िया है एकदम। मुझे ऐसे कोई कैमरा नहीं चाहिए जिसमें यार। हाँ, मेरा कैमरा इतना हिलता डुलता क्यों है पता है? जब भी मैं व्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि मैं बोल बोल के ऐसे हाथ को फैला फैला के बात करती हूँ, जिस वजह से मेरी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा शेक करती है, मतलब मेरा जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा शेक करती है इस वजह से। तो उस चीज़ का अवॉइड करना। ऐसे स्टिकली मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ या नहीं होता है मुझसे। मैं थोड़ी ना रोबोट हूँ। बात करते वक्त हिलना गुड थिंग, व्हाट यू थिंक गाइस? ओके, तो आवाज़ सही से आ रहा है ना। चलिए, अभी मैं स्कूल में जाऊंगी, मुझे क्वेश्चन पेपर रेडी करना है, क्वेश्चन पेपर रेडी करूंगी। वैसे ये है मेरा आउटफिट, नॉर्मल सा कुर्ती, उसके साथ मैंने ये पैंट पहना है एंड कोई भी मेकअप नहीं है एक्सेप्ट द सनस्क्रीन। मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था एंड सनस्क्रीन अप्लाई किया था, दैट्स ऑल। हाँ, उसके बाद मैंने लिप बाम अप्लाई किया। यू नो, आजकल ना मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लगा। ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ दिनों से इतनी प्रॉब्लम चल रही थी ना, इसलिए मैं मेकअप से थोड़ा सा दूर थी इस वजह से। बट अब नहीं, मुझे मेकअप से कोई अलग नहीं कर सकता। तो मैं मेकअप भी वीडियो शूट करूँगी बहुत जल्द ही। सो कैसा लग रहा है मेरा ये कुर्ती? सिंपल सा है। ₹200 में मैंने लोकल स्टोर मार्केट से परचेस किया है। बैकग्राउंड आपको ब्लर दिख रहा है, वैसे ये इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा है, फुल्ली आपके फेस को फोकस रखता है। बाय द वे, ये न्यू फ़ोन है। मैं क्या बोल रही हूँ पता नहीं क्या बोलूँगी। हाँ, मैं ये बात बता देती हूँ कि कुछ दिनों से मैंने क्यों नहीं वीडियो शूट की, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी आइज़ पे, लेफ्ट आइज़ पे प्रॉब्लम थी, जिस वजह से मैंने शूट करना बंद कर दिया। क्योंकि
मेकअप में जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आइज, इस वजह से नहीं कर पाई। उसके बाद मुझे बुखार हुआ। अरे यार बुखार के बाद मत बोलो, जब बुखार हुआ ना मुझे लगा यार मुझे कहीं कोविड तो नहीं हो गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र ऐसा कुछ भी नहीं था, बट मैं डर गई थी। यस आई एक्सेप्टेड, मैं डर गई थी। नॉर्मल कफ एंड कोल्ड था लेकिन फिर भी मैं डर गई थी कहीं ऐसा कुछ हो गया तो मैं ना क्या करती थी, कुछ भी मतलब ऐसे सनस्क्रीन हो या फिर कोई टोनर हो या फिर कोई परफ्यूम हो मैं लगा के ऐसे सूंघती थी कि मुझे मतलब स्मेल आ रही है या नहीं, तो आ रही थी। उसके बाद मेरा सर घूमने लगा, मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे सर की सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरा सर चकराने लगा। मैं ऐसे जो खड़ी हूँ ना इस वक्त, तब खड़ी भी नहीं हो सकती थी, मेरा पैर हाथ पैर ऐसे कांपने लगता था, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद मैं जब ठीक हुई मैंने सोचा चलो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ तो मैं वीडियो शूट करूँगी। उसके बाद क्या हुआ पता है, हाँ मेरे फ़ोन ने मुझे धोखा दे दिया, ये फ़ोन ख़राब हो गया। मैं फ़ोन को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, वीडियो कैसे शूट करूँ। फिर आया मेरा न्यू फ़ोन, यस, जो मुझे मेरी उर्वी ने दिया है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, थैंक यू। उसने पता है उसे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं जब सैड होती हूँ, तो कैसे मेरा सैडनेस दूर किया जाए उस वजह से। वैसे वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं लेकिन ये वाला जो गिफ्ट है ना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं इससे आप लोगों से टच में रह सकती हूँ ना। थैंक यू, लव यू, लव यू माय उर्वी। एनीवे सो हो गया। तो आज मैंने सडनली सोचा मैं ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करती हूँ, मॉर्निंग में वेदर का दिखाती हूँ आपको वेदर। तो वेदर के हाल ऐसा है, तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे। मैं आ गई हूँ आमतला, तक यहाँ से मुझे बस शुरू करना है और मैंने मास्क भी पहन लिया है, यू नो सेफ्टी कम फर्स्ट। अच्छा मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी जाने वाली है, बट मैंने उसे अभी कॉल नहीं किया है, कॉल करती हूँ देखती वो कहाँ पे है, उसके बाद बात करती हूँ, ठीक है। कॉलेज का काम ख़त्म हो गया है, मैंने कॉलेज पे कोई भी शूट नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं KFC, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी है और हम दोनों जाएंगे वहाँ पे खाएंगे, उसके बाद हम वापस घर पे आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय, उसके बाद मैं जाके बात करती हूँ आप लोगों से। गाइस हम लोग ऑटो से उतर गए हैं और अभी हम लोग जाएंगे KFC। ओके मैं आपको फ्रंट बैक दोनों करके यहाँ पे मैं रोड क्रॉस करूँगी और वो है KFC, आपको दिख रहा होगा। इस अंकल को मैंने धक्का दे दिया भाई ब्लॉगिंग के चक्कर में तो अभी हम जाएंगे खाना खाने, बहुत ज़ोर से भूख लगी। फाइनली मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ, ठीक है। KFC मैं लास्ट ईयर आई थी, मतलब कोरोना से पहले। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं, अरे स्पून नहीं मिल रही है हमारी, यही तो। हाँ तो अभी हम आए हैं KFC में। फोकस फोकस फोकस। यहाँ पे मैंने कॉम्बो लिया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा 199 में था, तो अगर आप लोग आते हो तो कॉम्बो लेना, डेफिनेटली आपको बहुत सारे ऑफर्स में मिलेंगे, ठीक है। सो मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी है, मीट साजिया इसका नाम है ओके तो अभी हम खाएंगे, उसके बाद आपसे बात करते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट राइस। और
से खा रहे हो जैसे मैंने कभी नहीं खाया, बट सीरियसली कहो बहुत जोर से भूख लगी। सो गाइस खाना खत्म, अभी हम जा रहे हैं घर। नहीं अभी घर नहीं जाएंगे, अभी आमतला जाएंगे, उसके बाद मुझे थोड़ा सा शॉपिंग करनी है, मेरी मॉम के लिए कुछ खरीदना है। ठीक है, बाय बाय KFC, फिर से ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ से हम बस में जाएंगे या ऑटो पे, आई डोंट नो, जो मिलता है उसमें जाऊँगी। तो अभी हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं। ठीक है, तो सो गाइस अभी तो हम आमतला आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से घर जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ ख़रीदना था, नहीं मिला। दो चीज़ मिल गया है, जो चीज़ मुझे मिल गया है मैंने वो ले लिया। ठीक है, अब ओके, सो मैं जाऊंगी पार्लर। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत दिन पार्लर विज़िट नहीं किया है और मैंने आईब्रोज नहीं किया है। ठीक है, तो आईब्रोज के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मेरा फेवरेट जो पार्लर है यहाँ पर मेरे लोकेलिटी में, वहीं पर जाऊँगी, देखती हूँ पार्लर खुला है कि नहीं। आई होप खुला होगा। आ गई हूँ मैं पार्लर पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइटिंग लाइटिंग। हाय गाइस, तो हो गया है मेरा आईब्रोज कंप्लीट, मेरी आईब्रो किया है ये बोदी ने, बहुत ही अच्छा पार्लर है इनका। ठीक है, अगर आपको आना हो इनके पार्लर में तो हमारी लोकेलिटी में ही है सेफ अली ब्यूटी पार्लर, BP रोड, तो आप ज़रूर आना इनके पार्लर में। ये ब्राइडल भी करती है और सारे फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग सब कुछ करती है। ठीक है, तो डेफिनेटली आना। सो या गाइस, व्लॉग को मैं आज एंड कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग कल कर रही थी। कल शाम को मैं घर आके ना, मेरा सर इतना ज़्यादा दुख रहा था, मतलब हेडेक होने लग गया था, तो मैंने बाम बाम लगा के ना बिल्कुल सो गई थी। तो मैंने सोचा अरे यार, मैंने व्लॉग को एंड ही नहीं किया, तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ। इसलिए आज सुबह सुबह उठ के ही मैं आ गई हूँ अपने टेरिस पर, जहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करूँगी। ओके, तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, अच्छा लगे तो प्लीज़ इस ब्लॉग को शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और साथ में एक छोटा सा बेल आइकन भी होगा उसे भी हिट कर देना, ताकि आप मेरे आने वाले हर 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 वीडियो से अपडेटेड रहो। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहना, हैप्पी रहना, सबको खुश रखना, और डेफिनेटली मैं भी बहुत जल्द जल्द बहुत ही ज़्यादा वीडियो लाने वाली हूँ। यस, वैसे आप लोगों से बात करना ना बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मेरा टेरेस कैसा है, अभी तो जूते सूख रहे हैं मेरे भैया के। ठीक है, टेम कर देख के कर दा मैं प्रॉमिस, मिलने आऊँगा, मैनू पता है तू फैन सलमान का। गाना गाने लग गई। अच्छा चलो, ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफिज़।